अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी भट्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं सईद एजुकेशनल हेल्थ ट्रस्ट में, जहां पर कोरोना वबा के बायस जो लॉकडाउन हुआ इससे लोग जो मुतासर हुए, काफ़ी सारे लोग जो है घरों में बेरोज़गार भी हो चुके हैं। तो यहां पर एक मुहैया हजरात की तरफ से जो कि इस हेल्थ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं डॉक्टर कमर सईद, कमर उस्मान सईद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारी इस तकरीब के जो मेहमान हैं बिलाल फरोज जोया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो हम चाहेंगे इनसे बात करना, इनके कुछ हालात जानना भी चाहेंगे। सर, आप इस प्रोग्राम में आपको कैसा लगा और आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्राम कितना जो है वो मुआशरे पर असर अंदाज़ होगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके इन लोगों से मिलके, क्योंकि मुआशरा आबाद होता है मुखय्यर लोगों की वजह से, जो अपना पेट काट के अपने जो रिज़क में से अल्लाह ताला ने उनको मुहैया किया हुआ है उनमें से दूसरे लोगों का हिस्सा दिया होता है, उसमें लोगों के लिए खर्च करते हैं, ये बहुत बड़ी नेकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ये कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली आपकी सोसाइटी की वेलनेस और बेटरनेस के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त मैं यहाँ पर आपको मिलवाना चाहूँगा इस जो ट्रस्ट है इसके चेयरमैन डॉक्टर कमर उस्मान सईद साहब, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया और यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए एक फूड जो पैकेट है वो भी तकसीम किए। तो डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आपने जो ये एक खिदमत इंसानियत का काम कर रहे हैं, ये आपने कब से शुरू किया और किस जज्बे के तहत आपको ये जज्बा पैदा हुआ, और जो कोरोना के दौरान आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जज्बा तो मैं समझता हूँ मुझे विरासत में मिला है, क्योंकि वालिद साहब एजुकेशनिस्ट थे और वो एजुकेशन में काम करते थे और उन्हीं की हिदायत पे मैंने ये काम शुरू किया था। और सेहत सईद एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट को बनाए हुए हमें 20 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल यही प्रोग्राम, जैसे रमज़ान गिफ्ट है या ईद गिफ्ट है, ये हर साल करते हैं और पिछले 21-22 साल से हम ये काम कर रहे हैं। कोरोना में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने अब ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने की कोशिश शुरू की है कि सरगोधा में किसी भी मरीज़ को ज़रूरत हो ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो हम उनको घर फ्री मुहैया करें और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ मीडिया पर्सन भी मौजूद हैं, राना रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इस तकरीब में। तो राना साहब को मैं तारफ़ करवाता चलूँ कि राना साहब जो कैमरा मैन एसोसिएशन सरगोधा है उसके प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, उसकी कवरेज के साथ साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं राना साहब से ये पूछना चाहूँगा, राना साहब आप क्या कहेंगे कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे हालात में? हाँ सर, देखिए ना, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में इस वक्त नफसा नफसी पड़ी हुई है, लॉकडाउन चल रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन है, कोरोना का जो वबा जो है आपको पता है कारोबार मुतासर हुए भी हैं। मैं चाहता हूँ मुखय्यर हज़रात जैसे कि ये डॉक्टर उस्मान साहब निकले हैं, इन्होंने 100 से ज़्यादा आदमियों को जो राशन जो है ना घरों में पहुँचाया है, ना कि फोटो सेशन किया इन्होंने, तो इन्होंने जो है ना लोगों के घरों में मुस्तहिक जो है उनके घरों में राशन पहुँचाया है और राशन भी अच्छा खासा है जिसमें घी है, चीनी, आटा 20 किलो का थैला है। तो इस महंगाई के दौर में डॉक्टर उस्मान साहब का एक बेहतरीन इकदाम है कि गरीब आदमी की हेल्प कर रहे हैं। तो हम भी जो मीडिया है, जो हम लोगों ने कैमरामैनों ने और साथ डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हेल्प की है, उनके साथ हम निशाना बिछाना चले हैं और ऐसे ही लोग निकलें, मुखय्यर हज़रात निकलें और ताजर लोग निकलें ताकि गरीब आदमी की हेल्प के लिए निकलें, हम भी इनके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ताजर बरादरी के जो एक क़यादत है वो भी मौजूद है, सरगोधा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के जो बानी और सदर हैं शेख हासिफ इकबाल साहब, वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से लोगों में फूड जो पैकेट हैं वो भी तकसीम किए हैं। हम चाहेंगे शेख साहब से भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर मुहैया हजरात जो है वो शहर में ऐसे जो काम है वो कर रहे हैं और लोगों की खिदमत के लिए, उनका जो उनके हाथ बटाने के लिए, इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होने के लिए फूड और इस तरह के दीगर जो है वो चीज़ें जो है उनको फराहम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ताजर बरादरी अपना कुछ रोल अदा करते हुए भी नज़र आ रही है, तो उस पर एक कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सईद वेलफेयर ट्रस्ट का कि उन्होंने नहायत ऑर्गेनाइज और वेल सेटल्ड ये प्रोग्राम किया, और मैं ये समझता हूँ कि अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जिस तरह डॉक्टर सईद साहब शब रोज़ की मेहनत के बाद ताजर बरादरी के मुकम्मल तावन सरगोधा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के रहनमाई और सरपरस्ती अमजद महमूद भट्टी साहब के साथ जिस तरह ये आज तरक्की की मंजिलें तय कर रही हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह सरगोधा न सिर्फ पंजाब भर की ये सबसे वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइज एक ट्रस्ट बन जाएगा। और जिस तरह ये डिलीवर कर रहे हैं इनका जज्बा लायक तहसीन है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ताजर बरादरी से, सरगोधा के मुहैया हजरात से, कि वो आगे बढ़ें और अपने ज़कात सदक़ात खैरात अल्लाह जल्ला शानों की रज़ा और नबी की सुन्नत के मुताबिक
कोविड से जो मुतासरीन है लॉकडाउन के दरमियान जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनके लिए आसानी वाला मामला करें, उनके लिए रोज़गार के लिए ना सिर्फ बल्कि उनके राशन के लिए कोई ना कोई आसानी वाला मामला करें। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर सरगोधा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री, वो उनसे भी बात करेंगे। अमजद महमूद भट्टी साहब, इनका मैं यहाँ पर यह भी तारफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ कि अमजद महमूद भट्टी साहब इस प्रोग्राम में जो जितना भी ये अरेंज किया गया और ये जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से ये इस प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं और लोगों के घरों में जो है वो घर घर जाकर भी जो है वो राशन तकसीम किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब के साथ ये बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अमजद भाई, अब तक आपने कितने जो अफराद हैं, कितने घराने हैं जिनको राशन तकसीम कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसादत से आज हम जो सईद एजुकेशनल हेल्थ ट्रस्ट के ज़रिए तमाम जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं राशन तकसीम का, इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आपके तवसत से सरगोधा शहर के जो मुखय्यर हज़रात हैं उन तक आपके ज़रिए से हमारी आवाज़ पहुँचेगी और हम उम्मीद करेंगे कि वो भी सईद एजुकेशनल हेल्थ ट्रस्ट का हिस्सा बनकर हम सफ़र बनकर गरीब लोगों की वेलफेयर के लिए, इनकी मदद के लिए रमज़ान की मुबारक सातों में खिदमत खल के ज़रिए से रब की रज़ा को हासिल करने में इंशाल्लाह हमारा साथ बनेंगे। बाकी जहां तक आपने ये बात की है कि कितने घरों तक पहुंचा चुके हैं, वो हमने आज पहला जो फेज़ है इसमें रमज़ान राशन, ये हमने 100 से ज़्यादा घरानों में इंशाल्लाह ताला ये राशन जो है वो आज पहुँचेगा। इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम ईद के करीब जो है वो ईद पैकेज जो है वो भी हम इंशाल्लाह ताला लोगों को देंगे। इसमें हमने कोशिश ये की है कि चंद एक लोग यहाँ पर आएँ ताकि आप मीडिया के अंदर इसके ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि ट्रस्ट ये काम कर रहा है और लोग जो एतमाद करने वाले लोग हैं और जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो इसका हिस्सा बनकर, इस टीम का हिस्सा बनकर लोगों का खैर का ज़रिया बन सके। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सईद एजुकेशन हेल्थ ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम उनको जल्दी सरगोधा के अंदर इसका काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि अमजद भाई ने बताया कि यहाँ पर जो सईद एजुकेशनल हेल्थ ट्रस्ट जो काम कर रही है इसमें बहुत सारी खिदमात इनकी मौजूद हैं। जहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान भर में जो ये आई इस जो हॉस्पिटल हैं वो भी चला रहे हैं, इसके साथ साथ जो सेहत आमा की दीगर जो सहूलतें वो भी फ्राहम कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन के अंदर भी सईद एजुकेशनल जो हेल्थ ट्रस्ट है ये काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो सिंध जैसे और जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर पानी की फ्राहमी और सेहत के और सेहत की सहूलतों के साथ साथ जो मेडिसिन वगैरह की जो सप्लाई है वहाँ वो भी की जा रही है। इसके साथ साथ जहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि इस सईद एजुकेशनल हेल्थ ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से किए जा रहे हैं और उम्मीद करूँगा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो आज मकसद था वो ये था मीडिया पर लाने का कि सिर्फ जो दीगर मुहैया हजरात हैं जो शहर के अंदर इस्तात रखते हैं लोगों की खिदमत करने की, वो उनके अंदर भी ये जज्बा उजागर हो और अगर वो सईद एजुकेशनल हेल्थ ट्रस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी उनको वेलकम किया जाता है, नहीं तो वो अपनी जगह पर अपने घर पर या अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है वो खिदमत इंसानियत का में अपनी जो है वो खिदमत अंजाम दें और अल्लाह की रजा जो है वो समेटें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी फिर नए किसी प्रोग्राम में नए किसी जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।